नमस्कार, स्वागत है आपका अखबार जगत में। इंदौर शहर में चोइतराम स्थित वर्मा होटल से 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। बता दें, इन 7 बच्चों में से 6 बच्चे भीख मांगते हुए तो एक बाल श्रमिक के रूप में मिला है। इन बच्चों को चाइल्डलाइन द्वारा मेडिकल व काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। देखिए अखबार जगत की एक खास रिपोर्ट। असल में इंदौर जिला प्रशासन की हर बुधवार को कार्रवाई होती है, जिसमें हम लोग चाइल्ड लेबर या चाइल्ड बैगिंग में जो लिप्त बच्चे होते हैं उनको रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। तो उसी तारतम्य में आज ये कार्रवाई हुई है। तो चोइथराम क्षेत्र से करीब 7 बच्चों को रेस्क्यू करवाया है जिला प्रशासन ने, जिसमें महिला बाल विकास की टीम, चाइल्डलाइन की टीम और लेबर डिपार्टमेंट की टीम थी, सोशल जस्टिस की टीम थी। इसमें से करीब 6 बच्चे बैगिंग करते हुए मिले हैं और एक बच्चा चाइल्ड लेबर के रूप में मिला है हमें। तो अभी हमारी टीम उन बच्चों को संरक्षित करके जो गवर्नमेंट की शेल्टर होम है वहाँ पे लेके जा रही है। बच्चों की काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद में उनकी बेहतरी के लिए जो जो प्रयास जिला प्रशासन कर सकता है उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सर, मेल बच्चे थे या फीमेल? अभी वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चे मेल हैं। सर, आप एक होटल का बता रहे जहाँ से रेस्क्यू किया गया, क्या नाम है सर होटल का? वर्मा होटल है शायद उसका। सर, बैगिंग में जो बच्चे मिले हैं आपको, जो बैगिंग करते हुए मिले, सर क्या इसके पीछे किसी ग्रोह का हाथ है या किसी से ग्रुप का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का? अभी तो ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जस्ट अभी कुछ देर पहले ही बच्चे रेस्क्यू हुए हैं। तो अभी हमारी टीम जब काउंसलिंग करेंगी, काउंसलिंग करने के बाद में सामने आएगा कि वो बच्चे किसी गिरोह में शामिल हैं या उनके माँ बाप के द्वारा ये करवाया जा रहा है। सर, उनके रेसिडेंस का कुछ पता है यहाँ पे आसपास, उनके माता पिता? अभी तक टीम से जो बात हुई है तो ये पता चला है कि चोइथराम के आसपास ही कुछ तंग बस्तियों में बच्चे रहते हैं। सर, अब आगे क्या इस पर कार्रवाई होगी, इसकी क्या प्रोसेस होगी? आगे इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो कि चूँकि बाल कल्याण समिति जो है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है बच्चों के वेलफेयर में काम करने के लिए, तो सभी बच्चों को अभी तो हमने शेल्टर होम में भर्ती करवाया है और संभवतः कल उनको हम लोग बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, आपका नाम एवं पद? वसीम इकबाल, डायरेक्टर इंदौर चाइल्ड लाइन। धन्यवाद सर। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार जगत।